आज के वीडियो में हम उनकी बात करेंगे जिनकी बात अक्सर कोई नहीं करता। आपकी अगर 60 परसेंटाइल से कम आ रही है जेई मेन्स के अंदर, यानी कि आपके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, 40 नंबर या उससे कम आ रहे हैं जेई मेन्स के अंदर, तो आपको क्या सोचना चाहिए, या फिर आपकी जो अगली अटेम्प्ट आती है उसके लिए तो आप अच्छे से तैयारी करोगे, लेकिन उसमें भी अगर आपके कम नंबर आते हैं, आपकी रैंक कम होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस आपके लिए होते हैं, सारा का सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखें। इस परसेंटाइल रेंज के ऊपर जो है बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी में हमारे पास कोई मौका ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपके इस परसेंटाइल रेंज पे भी, या फिर 60 परसेंटाइल से कम आपके परसेंटाइल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस रेंज में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको CSE ब्रांचेज मिल सकती है, ये बात आप याद रखना, मैंने कही है और ये आप स्क्रीनशॉट लेके अभी भी रख लो। मैं आपको कहूँगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ मत जाओ, आप एक स्टिक रहो अपने आप पे, मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, आपको जरूर से मिलेगा, ये बात आप याद रखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वीडियो का क्या कंटेंट होने वाला है, कि हम कवर करने वाले हैं कुछ कॉलेजेस, आपको बताने वाले हैं जो कि आपको इस परसेंटाइल रेंज के ऊपर 60 परसेंटाइल से कम अगर आपकी आती है, 40 नंबर से कम आपके जेईई मेंस में आ रहे हैं, फिर आपको ये कॉलेजेस लेने चाहिए, ये कॉलेजेस में ये ब्रांचेस आपको लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा HSTS काउंसलिंग की। HSTS की जो काउंसलिंग होती है वो हरियाणा के सभी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगस्त के स्टार्टिंग में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। इसके अंदर जो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं वो आपको डीक्रस्ट सोनीपत, जो कि सेकंड नंबर का कॉलेज माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा के अंदर, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली आपको ब्रांचेस मिल जाती है, सिविल मिल जाएगी आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे केमिकल ब्रांच मिल जाएगी, आपको यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिल सकती है। आप ये तीन ब्रांचेज आप डीक्रस्ट में आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं डीक्रस्ट से थोड़ा सा नीचे आऊँ JJU हिसार की तरफ, JJU हिसार में भी आपको ब्रांचेज मिल जाएगी। JJU हिसार में आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल के बाद आपको मैकेनिकल, सिविल और प्रिंटिंग जैसी ब्रांचेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का आपको JJU हिसार का देखने को मिलता है। साथ ही साथ JJU हिसार के बाद अगर मैं बात करूँ आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज अगर आप चाहते हो मुझे CSE मिले, मुझे CSE चाहिए, मुझे EC चाहिए, इस परसेंटाइल रेंज पे भी मिलेगी आपको। जो 4 SITs हैं हरियाणा के अंदर, 4 SITs, CDL SIT सिरसा, RBS SIT रेवाड़ी, CRS SIT झज्जर और SIT नीलोखेड़ी, ये जो 4 SITs हैं, इन चारों के अंदर आपको CSE ब्रांचेज मिल जाती है। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इस रैंक पे भी CSE, लेकिन मेरी बात मानो, पिछले साल भी बहुत सारे लोग, इनफैक्ट 3 से 4 लोग मेरे ऐसे थे जिनको कि 7 लाख रैंक पे, 1 की 6.5 लाख थी, 1 की 5.5 के आसपास थे, 1 के 7 लाख रैंक, तीनों को CSE मिली है और इन्हीं 4 SITs के अंदर मिली है। मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो उनके साथ एक इंटरव्यू वगैरह भी आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको सारी बातें पता चल सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ज़रूर से मिल जाएगी, ये बात आप याद रखना। HSTS काउंसलिंग की हमने बात करी यहाँ पर। साथ ही साथ HSTS के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, तो HSTS के बाद आप उत्तर प्रदेश की अगर तरफ आप चलते हो, तो IIT लखनऊ के अंदर ऑनेस्टली आपको कोई भी ब्रांचेस नहीं मिलेगी। BIT झांसी और KNIT सुल्तानपुर के अंदर आपको सिविल मैकेनिकल ब्रांचेस यहां पे मिल सकती है। KNIT सुल्तानपुर के अंदर खासकर आपको सिविल ब्रांच मिल सकती है, यहां पे मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ उसके नीचे अगर मैं जाऊँ, जितने भी REC हैं उनके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, और अगर आप होम स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है, ऑल REC के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका होम स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे CSJMU है आपका, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर आपको CSE या फिर EC ब्रांच मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ चुके, पिछले साल भी 60 परसेंटाइल के आसपास ही थी, 59 या 57 परसेंटाइल के आसपास CSJMU में EC ब्रांच वहाँ पे मिल गई थी, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। साथ ही साथ मैं अगर राजस्थान की तरफ चलूँ, तो राजस्थान में आपका MBM के अंदर कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिलेगी, लेकिन RTU कोटा के अंदर आपको नीचे वाली ब्रांचेज, सिविल जैसी ब्रांचेज यहाँ पे मिल जाती है, और CTA उदयपुर के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेज यहाँ पे आपको इस रैंक पे मिल जाएगी।
मध्य प्रदेश काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ MPDT काउंसलिंग की, तो MPDT काउंसलिंग के अंदर आपको जो ब्रांचेज मिल सकती है, REC रेवा नाम का एक कॉलेज अपने पास आता है, REC रेवा के अंदर आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी, सती विदिशा के अंदर भी आपको मैकेनिकल सिविल ब्रांचेज मिल सकती है। साथ ही साथ अगर मैं सती विदिशा REC रेवा के बाद नीचे वाले कॉलेजेस की बात करूँ, जैसे हो गया आपका उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मैं विक्रम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि उज्जैन के अंदर ही लोकेटेड है, वहाँ पे आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी। साथ ही साथ विक्रम यूनिवर्सिटी के बाद आपका शिवपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको CSE ब्रांच मिल जाती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पे आपको CSE मिल जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट कॉलेजेस इंटेंशनली ना चुने कि हाँ भाई मेरे से तो नहीं होने वाला है, लेकिन मैं हाँ फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब है फिर भी आप प्राइवेट चुन रहे हो, आप हाई फीस वाली कॉलेजेस में आप जा रहे हो, तो ऐसा मत करो बिल्कुल भी। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लो फीस के अंदर कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिलते हैं, अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉलेजेस का देखा होगा कि प्राइवेट के अंदर 28 लाख का पैकेज है, 54 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज इस साल गया, ये गया, वो गया। प्लीज़ उन सबसे इन्फ्लुएंस ना होए, मैं आपको कह रहा हूँ सारा का सारा गेम मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत जल्द अपना एक सीरीज़ चैनल पे स्टार्ट होने वाला है, वाई नॉट टू ज्वाइन दिस कॉलेज, जिसमें पहला जो आपका वीडियो आने वाला है वाई नॉट टू ज्वाइन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो पूरी एनालिसिस के साथ, पूरी रिसर्च के साथ वाई नॉट टू ज्वाइन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना एक वेबसाइट जो हमने बनाया है collegemitra.xyz के नाम से, उस वेबसाइट को आप जरूर से एक बार विजिट करें, और वहाँ पे आप रैंक प्रिडिक्टर टूल का उपयोग करके अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो, और सर्विसेज का जो सेक्शन है उसका विजिट करके सारी चीज़ें ब्राउज कर सकते हो, देख सकते हो हम क्या क्या सर्विसेज इस साल देने वाले हैं और बाकी चीज़ें क्या है। अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर करना कि क्या हम इस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल है आगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।